इन दिनों पटना के लोग बारिश से त्रस्त हैं। सरकार राहत बचाव कार्य चला रही है, कुछ जगहों पर हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री दी जा रही है तो कहीं पर गाड़ियों से सामानों को पहुंचाया जा रहा है। पटना के राजेंद्र नगर से खबर आई कि जहां लोगों ने राहत सामग्री को ही लूट लिया। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से कैसे ट्रॉली गिरती है और वहां खड़े लोग राहत सामग्री पर टूट पड़ते हैं। तो दरअसल बिहार एक तरफ जहां पर बाढ़ की वजह से मुश्किलें लोगों के सामने हैं और ऐसे में एनजीओ से लेकर के सरकार प्रशासनिक अमला के जरिए इस वक्त उनकी मदद के लिए न सिर्फ राहत सामग्री बल्कि खाने पीने के सामान के साथ साथ में दवाइयां और राशन वहां पर भेजे जा रहे हैं। मगर ये जो तस्वीरें आपके टेलीविजन पर इस वक्त सामने हैं, एक ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए से इन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की सामग्री वहां से जा रही थी और चूंकि बारिश के पानी की वजह से आप देखिए ट्रॉली ट्रैक्टर लगभग आधे से ज़्यादा वहां पर डूबते हुए जा रहा है और करीब करीब जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है ऐसा लग रहा है कि पूरा ट्रैक्टर डूब जाएगा। इसी बीच में ट्रॉली डिसबैलेंस होती है और फिर उसके बाद में जो दृश्य है, जो नज़ारा है आपके सामने है, मुश्किलों का अंबार इतना है कि लोग बेतहाशा उस राहत सामग्री के सामान पर टूट पड़े।